नमस्ते, यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन सा फोन आपको खरीदना चाहिए कस्टम रोम को इंस्टॉल करने के लिए। वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अंत तक देखना। पसंद आए तो लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर हम जो है आपको कुछ फोन को रिकमेंडेड करेंगे, उस फोन को आप खरीद सकते हो कस्टम रोम को एक्सपीरियंस करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी इस वीडियो के दौरान आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने रिसेंटली जो है पोको X6 डिवाइस को सेल में जो है अंडर 15 के खरीदा है। एंड ये जो फोन है, इस फोन के साथ जो है आपको काफी बढ़िया जो है कस्टम रोम का जो सपोर्ट है यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड इवन पोर्ट रोम भी अवेलेबल है। एंड बहुत सारी जो है यहाँ पर डेवलपर पोको X6 फोन को जो है यहाँ पर यूज कर रहे हैं। एंड पोको X6 डिवाइस के लिए जो है यहाँ पर अपडेट वगैरह जो है, कस्टम रोम का जो सपोर्ट वगैरह जो है देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली अगर आपका जो बजट है 15K के आसपास है, तो आप जो है पोको X6 डिवाइस को जो है खरीद सकते हो। इसमें जो है स्नैपड्रैगन 7S जेन 2 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा एंड 8GB प्लस 256GB का जो है स्टोरेज भी यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि काफी सही है। तो यहाँ पर स्टोरेज भी काफी बढ़िया है, रैम भी काफी बढ़िया है, प्रोसेसर भी जो है स्नैपड्रैगन है। एंड डेफिनेटली अगर आपको जो है बढ़िया बजट फ्रेंडली फोन चाहिए, जिसमें बढ़िया परफॉर्मेंस हो, बढ़िया डिस्प्ले हो एंड जो है बहुत सारी जो है कस्टम रोम देखने को मिले, बढ़िया कस्टम रोम को सपोर्ट हो, तो आप जो है पोको X6 डिवाइस को जो है ट्राई कर सकते हो। इस डिवाइस के लिए ढेर सारी पोर्ट रोम अवेलेबल है, इवन बढ़िया कस्टम रोम का जो सपोर्ट देखने को मिलेगा, रेगुलर अपडेट देखने को मिल रहा है, रेगुलर जो है मंथली सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी बढ़िया है। तो अभी फिलहाल मेरे हिसाब से पोको X6 डिवाइस जो है बेस्ट है अगर आप कस्टम रोम को एक्सपीरियंस करना चाहते हो बजट के हिसाब से। नेक्स्ट जो है, अगर आप कस्टम रोम को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो आप जो है पोको F5 डिवाइस को भी ट्राई कर सकते हो। पोको F5 जो है लास्ट ईयर के तरफ से काफी बढ़िया जो है एक डिवाइस है। एंड पोको F5 का जो प्राइस है अभी फिलहाल 21K के आसपास है। तो अगर आप चाहो तो सेकेंड हैंड पोको F5 डिवाइस को जो है खरीद सकते हो। तो पोको F5 डिवाइस के साथ भी आपको रेगुलर अपडेट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 2 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि पोको X6 से जो है ज्यादा पावरफुल है, बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा पोको F5 के साथ। इसका प्राइस भी ज्यादा है, बट अगर आप सेकेंड हैंड खरीदते हो तो आपको कम प्राइस में देखने को मिल जाएगा। इसमें भी आपको जो है बेटर कस्टम रोम का जो है सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड रेगुलर अपडेट देखने को मिल जाएगा, प्लस मंथली सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देखने को मिलेगा। इवन एंड्रॉइड 15 वगैरह भी जो है पोको X6 एंड पोको F6, यहाँ पर पोको X6 प्लस पोको F5 दोनों के लिए जो है एंड्रॉइड 15 का जो अपडेट है अवेलेबल है। तो आप जो है एंड्रॉइड 15 को एक्सपीरियंस कर सकते हो कस्टम रोम के साथ, जो कि काफी बढ़िया है। तो पोको F5 भी एक बढ़िया चॉइस है, इसे भी आप जो है ट्राई कर सकते हो। इसके साथ भी आपको जो है काफी बढ़िया कस्टम रोम का जो सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर आप चाहो तो सेकेंड हैंड खरीद लो, इसमें आपको जो है बेटर बढ़िया जो है ऑफर और डिस्काउंट देखने को मिलेगा सेकेंड हैंड के साथ। बट जो नया है पोको F5, उसे हम खरीदने के लिए रिकमेंडेशन नहीं कर रहे, क्योंकि अभी आपको जो है जो ऑफर वगैरह है उसके साथ ही आपको जो है पोको F6 देखने को मिल जाएगा 20K के आसपास। तो डिस्काउंट के साथ, ऑफर के साथ आपको जो है पोको F6 जो है देखने को मिल रहा है अंडर 22K। तो डेफिनेटली काफी सही प्राइसिंग में अवेलेबल है एंड इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8S जेन 3 प्रोसेसर देखने को मिलता है एंड जो कि काफी ज्यादा जो है पर पावरफुल है। तो डेफिनेटली स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा पोको F6 के साथ एंड जो कि काफी पावरफुल है एंड आपको बढ़िया कस्टमर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, रेगुलर अपडेट देखने को मिलता है, प्लस सिक्योरिटी पैच अपडेट एंड पोर्ट रोम भी अवेलेबल है, तो उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो पोको X6, पोको F5 सेकेंड हैंड एंड पोको F6 को जो है आप अंडर 22K में खरीद सकते हो, आपको काफी बढ़िया जो है यहाँ पर प्राइसिंग में देखने को मिल रहा है।
इसके अलावा जो है नथिंग फोन 1 एंड नथिंग फोन 2 भी जो है काफी बढ़िया प्राइसिंग में अवेलेबल है। जो नथिंग फोन 1 है उससे अगर आप चाहो तो जो है सेकेंड हैंड खरीद सकते हो, इवन नथिंग फोन 2 भी अगर आपको सेकेंड हैंड देखने को मिल रहा है बढ़िया प्राइसिंग में उसे भी आप खरीद सकते हो। नथिंग फोन 1 एंड नथिंग फोन 2 के साथ भी काफी बढ़िया जो है यहाँ पर कस्टम रोम का जो सपोर्ट है देखने को मिलेगा, बढ़िया डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है एंड बढ़िया जो है रेगुलर अपडेट वगैरह देखने को मिल जाएगा कस्टम रोम के साथ, सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देखने को मिलेगा जो कि काफी बढ़िया है। तो आप नथिंग फोन 1 एंड नथिंग फोन 2 को भी कंसीडर कर सकते हो कस्टम रोम को इंस्टॉल करने के लिए। बट नथिंग फोन 2A और CMF फोन 1 इस भी फोन के लिए कस्टम रोम का जो सपोर्ट है देखने को नहीं मिलता है। प्लस यहाँ पर मोटोरोला के तरफ से भी कुछ कुछ फोन्स है जिसके लिए जो है कस्टम रोम का जो है सपोर्ट है देखने को मिलता है, बट यहाँ पर डिवाइस टू डिवाइस डिपेंड करेगा। एंड पिक्सल डिवाइस के लिए भी जो है कस्टम रोम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, स्पेशली पिक्सल 6, पिक्सल 6 प्रो, पिक्सल 6A के लिए जो है काफी बढ़िया जो है कस्टम रोम का जो है सपोर्ट है देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो डिवाइस है, अगर आप कस्टम रोम को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो मेक श्योर करना जो भी आप डिवाइस खरीदो उसमें जो है स्नैपड्रैगन का जो है प्रोसेसर होना चाहिए। अगर आप मीडियाटेक प्रोसेसर के साथ कोई फोन को खरीदोगे तो शायद आपको इतना अच्छा जो है कस्टम रोम का जो सपोर्ट है देखने को ना मिले। तो जो है डेफिनेटली यहाँ पर मीडियाटेक प्रोसेसर के साथ जो है इतना अच्छा जो है कस्टम रोम का जो सपोर्ट है देखने को नहीं मिलता है, बट यहाँ पर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ जो है काफी बढ़िया जो है कस्टम रोम का जो सपोर्ट है देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ऐसा डिवाइस होना चाहिए जिस जो डिवाइस जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी जो कंट्री है उसमें जो है अवेलेबल होना चाहिए, डिवाइस जो है ग्लोबली अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर कोई भी डिवाइस जो है पर्टिकुलर एक कंट्री में रिलीज होता है तो शायद उसके लिए जो है इतना अच्छा कस्टम रोम डेवलपमेंट ना हो। अगर सभी कंट्री में अवेलेबल होगा, ग्लोबली अवेलेबल होगा तो ज़्यादा जो है डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो नंबर 1 जो है स्नैपड्रैगन प्रोसेसर में ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, तो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है ऐसा ही फोन को खरीदना। नंबर 2 जो डिवाइस है ग्लोबली अवेलेबल होना चाहिए। नंबर 3 जो डिवाइस है उसमें जो है बूटलोडर अनलॉक का जो फीचर्स होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मैन्युफैक्चर की तरफ से स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने को मिलेगा ग्लोबली अवेलेबल है, बट मैन्युफैक्चर जो है बूटलोडर अनलॉक करने का जो है परमिशन प्रोवाइड नहीं करता है। जैसे कि ये जो IQ डिवाइस है, हमारे पास ये जो डिवाइस है IQ 12 डिवाइस है, इसमें जो है स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 है, ग्लोबली अवेलेबल है, फिर भी जो है IQ और Vivo जो है बूटलोडर अनलॉक करने का जो है परमिशन नहीं देता है, तो इसमें जो है कस्टम रोम का जो सपोर्ट है देखने को नहीं मिलता है। तो सिमिलरली ऐसा डिवाइस खरीदो जिसमें जो है यहाँ पर बूटलोडर अनलॉक करने की परमिशन मैन्युफैक्चर प्रोवाइड करता है, जैसे कि Redmi, Poco, Nothing Phone एंड Pixel, Motorola। नॉर्मली जो सैमसंग हो जाए, इवन या पर जो वीवो, आईक्यू, ओप्पो, इस सभी की तरफ से जो है आपको बूटलोडर अनलॉक करने का जो परमिशन है देखने को नहीं मिलता है। एंड वन प्लस का जो है कुछ डिवाइस है उसमें जो है शायद परमिशन वगैरह देखने को मिल सकता है बूटलोडर को अनलॉक करने का। तो डेफिनेटली फोन खरीदने से पहले अगर आप कस्टम रोम को इंस्टॉल करना चाहते हो तो बूटलोडर अनलॉक हो पाए ऐसा फोन को खरीदना, एंड ऐसा फोन को खरीदना चाहिए जिसमें जो है वैल्यू ऑफ मनी देखने को मिले। अगर कोई फोन का प्राइस बहुत ही ज्यादा है तो डेफिनेटली ज्यादा जो है आपको डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्यादा डेवलपर जो है उस फोन को नहीं खरीदेगा, ज्यादा यूजर भी उस फोन को शायद ना खरीदे। तो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर होना चाहिए, ग्लोबली अवेलेबल होना चाहिए, बूटलोडर अनलॉक कर पाए ऐसा फोन को खरीदना। नंबर फोर जो है वैल्यू ऑफ मनी प्रोवाइड करेगा मैन्युफैक्चर, तब जो है उस फोन के साथ जो है काफी बढ़िया डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, जैसे कि पोको X6, पोको F5, पोको F6, ये सभी के साथ जो है काफी बढ़िया जो है यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ऑफ मनी देखने को मिलता है।